हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। इसके लिए पहले एक बोल में 1 कप बेसन लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक एंड हल्दी मिलाकर उसमें पानी डाल के फेंट लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डाल के भिंडी को डीप फ्राई करना है। तो हम लोग पहले से ही भिंडी को काट के रखा था, अभी भिंडी को बेसन में डुबो के इसको हमने डीप फ्राई कर लेंगे। भिंडी का दोनों तरफ ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से सारी भिंडी को डीप फ्राई कर लेंगे। इसके बाद एक नया कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला एंड रेड चिली पेस्ट। हल्दी पाउडर अनियन पेस्ट अनियन पेस्ट थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे लहसुन पेस्ट। इसके बाद डालेंगे अदरक पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। उसके बाद डालेंगे दही। उसके बाद डालेंगे सेसमी सीड्स पेस्ट। एंड उसके बाद डालेंगे काजू पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 कप पानी डालेंगे एंड उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए उबालने देंगे।
स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अभी अभी फ्राइड भिंडी को हमने इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारा भिंडी मसाला ऑलमोस्ट तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अभी ये हमारा भिंडी मसाला तैयार है। एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व।